आपकी तालीम जो है वो मेरे से आला है तो बैंक से जो कैसे ये लीजिए अर्शद सर जी सर ये वाकरों में खोला गया हायरिंग सेंटर एग्रीकल्चर की तरफ से सर इसका मकसद यही है कि फार्मर्स तक फ़ायदा पहुंचे जितनी भी यहाँ पे मशीनरी है उससे मतलब फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचे जो भी मेरे पास मशीन है स्प्रे की एग्रीकल्चर की टिलिंग की बहुत सारी मशीन यहाँ पे अवेलेबल है तो उनसे यही मकसद है कि फार्मर्स तक फ़ायदा पहुँचे उनको यहाँ पर हायरिंग पे मिलेगा यानी कि उनको थोड़ा सा किराया देना पड़ेगा उससे उनको मशीन मिल जाएगी जी सर इसका यही मकसद है कि उनकी तरफ से मुझे मतलब सहायता मिल जाएगी अराउंड 40% ऑफ द मशीनरी तो वो फिर उसी में सर एडजस्ट हो के फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा आपके लिए कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जॉब सबको मिल जाए जॉब करना ज़रूरी है हम छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हायरिंग स्टार मैंने किया तो इसका यही मकसद है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको फ़ायदा हो जाए जितना भी मुझे इससे प्रॉफिट होगा मैं उसे आगे चलूँगा ज़रूरी नहीं है कि जॉब ही हो जाए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उनसे मुझे बहुत फ़ायदा मिला उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे ये काम स्टार्ट कर पाऊँ और उनकी बदौलत अभी ये मतलब स्टार्ट हो चुका है और आगे इनसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा प्रोग्राम के हवाले से बताता हूँ या हमारे पास सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कुछ हायरिंग सेंटर्स होते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स हम उनको बताते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं जो पढ़े लिखे बेरोज़गार बच्चे उनको रोज़गार बनाने में अपना रोज़गार कमाने में उनको महकमा ज़रात की तरफ से मदद मिले इस हायरिंग सेंटर से मान लीजिए अगर 10 मशीनें 5 मशीनें में अभी जो हमारे यहाँ के कस्टम हायरिंग सेंटर के मालिक हैं अरशद साहब मैं उनको ये भी बता रहा था कि अगर आपको और चाहिए मैं आपको बैंक से वो फाइनेंस करवा दूँगा क्योंकि ये बच्चा MSc माइक्रोबायोलॉजी है तो मैं शान से इसकी तालीम भी कहता हूँ एक इस बच्चे का रोज़गार बनेगा और मैंने इसे अभी मैं बता रहा था उसे कि आप अपने साथ और कुछ ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को जोड़ दो ताकि इस सारे जो डब वाकोरा का इलाका अगर उनको मशीन हायर करनी है वो आपके सेंटर से हायर करें इसका एक मकसद यही निकलता है कि हम इस ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार दे देंगे और दूसरा मकसद मुझे ये निकलता है क्योंकि जो यहाँ से मशीन जाएगी वो नोटिफाइड रेट्स पर जाएगी वो रेट्स हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को अप्रूव करके लिए जाएंगे ताकि अगर मान लीजिए एक ट्रैक्टर एक घंटे में 500 रुपये लेता है तो हमारे सेंटर से 501 रुपये से वो मशीन नहीं लेगा किसी को दवाई छिड़कनी किसी को ज़मीन में वीडिंग करनी है जैसे वीडर आप देख रहे हैं यहाँ और वो ज़मींदार जो यहाँ से मशीन किराए पर लेता है उसको जो बाकी जगहों से लेता है जहाँ प्राइवेट है तकरीबन उससे जो हम परसों कह रहे थे 40% जो मार्केट का रेट है उससे नीचे मशीन मिलेगी यहाँ ताकि इस इलाके का जहाँ हमारा किसान जुड़ा हुआ है इस सेंटर के साथ ताकि उनको अपनी फसलों में काश्त करने के लिए ये मशीनरी मौजूद और मौके पर दस्तियाब एक तो मौजूद आम और उसके नज़दीक दस्तियाब और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो मान लीजिए ज़िले गांधरबल है हमारे इस वक्त कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे तो 10 ज़िले हैं तो हमने हर ज़िले में कम से कम
चार चार पांच पांच ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स शुरू करने चाहे और हो भी चुके हैं। और इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स की वसादत से मैंने बोला ना कि हम जो ये किसान है, चाहे उसकी दवाई छिड़कने का प्रोग्राम हो, चाहे उसकी ज़मीन का वो गुड़ाई करने का प्रोग्राम हो, खाद डालने का प्रोग्राम हो, ताकि उसे एक छत के नीचे ही बहुत सी मशीनें मिले। और साथ ही जो ये हमारा बच्चा इसके साथ जुड़ गया है, उसके बेहतर और इज्जतमंद रोज़गार का वसीला भी ये कस्टम हायरिंग सेंटर बने। और अगर ये आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहते हैं, मैं उनको यकीन दिला लेता हूँ आपकी वसादत से भी, इस कस्टम हायरिंग सेंटर को इस डबवाकोरा का सबसे बड़ा सेंटर बनाने की अहलियत हम रखते हैं। और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जो यहाँ हैं, मेरे SDOs, मेरे AEOs जो भी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, सारे इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करते हैं। सिर्फ इसीलिए करते हैं कि ताकि हर इलाके में हम कोई ना कोई सहूलियत दे पाएँ गवर्नमेंट की वसादत से।